साइड से बुलवाई है। हम फिनिशिंग करवा रहे हैं बाय डायमेंशन, तो ये कटिंग हो रही है। अब देखिए कैसे हो रही कटिंग। करना है ताकि इसे प्रॉपर डायमेंशन आ जाए, ताकि इसकी डायमेंशन प्रॉपर जाए। हमारा कट के तैयार हो चुका है। अब इसको सिर्फ फिनिश करना है फाइनल टेस्टिंग के लिए। ये देखिए बोथ साइड से तैयार हो चुका है ये। अब सरफेस इसे फिनिश करना है अपन को। ये इसको हम अब फिनिश करवा रहे हैं ताकि इसकी दोनों सरफेस दोनों प्लेन हो जाए और जो हमको लोडिंग लगानी वो इवन सरफेस से प्रॉपर लगे। ये देखिए दोनों सरफेस पूरी तरीके से और इसके स्पेस को हम 24 आवर्स के लिए 48 आवर्स के लिए हम पानी के अंदर रखते हैं। कट करके लाए थे ये पूरा फिनिश होकर जो सैंपल लाए थे हम लोग, अब उसको हम CKM टेस्टिंग मशीन लगा रहे हैं जो हमारे कॉलेज में यहाँ पर डिजिटल टेस्टिंग मशीन है। अब उसकी रीडिंग हम कंप्यूटर में कैसे फीडअप करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका फ्रंट पेज, इसका आइकॉन से अपन इसके पेज को खोलेंगे। फिर इसका जो फ्रंट पेज है उसमें कुछ डिटेल्स मांग रहा है, वो डेट ऑफ टेस्टिंग, टाइप ऑफ टेस्ट, कस्टमर नेम, टेस्ट बाय मटेरियल टाइप। इसमें मटेरियल टाइप में आपके पास चार टाइप के अवेलेबल है, ब्रिक, कंपोजिट, कॉन्क्रीट एंड स्टील। अभी हम फिलहाल कोर कटर कर रहे हैं तो ये कॉन्क्रीट टेस्ट है, ठीक है, इसको ओके करूंगा। उसके बाद डाटा एंट्री के अंदर वो स्पेसिमेन शेप मांग रहा है, उसमें होलो राउंड, फ्लैट और सॉलिड राउंड आएगा, ठीक है। फिर मशीन की सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट सेट है इसके अंदर, उसमें पहली प्री लोड वैल्यू है जो 0 है, मैक्सिमम लोड 2000 kN के लिए है और मैक्सिमम क्रॉस है ट्रेवल जो है इसका 50 mm है, ठीक है। हमने अभी हमारा सैंपल जो सॉलिड राउंड है तो सॉलिड राउंड सिलेक्ट करेंगे हम लोग और उसका डाया हमने ऑलरेडी पहले वर्नियर कैलिपर के थ्रू उसको मेजरमेंट कर लिया है। उसका डाया है आपका 64 mm, ठीक है। ये डाटा मैंने फीडअप करा, ये लोड वर्सेस CST ट्रेवल, ये जितना CST उसका ट्रेवल कर रहा है उसकी रीडिंग बताएगा वहां पर। ये मैंने इसको ओके करा। आप इस पार्ट मार्क को जो आप नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ, जैसे ये प्रोजेक्ट सिंगापुर बिजनेस पार्क,
और ये इसका मेन पेज ओपन हो चुका है। अब हम इसको टेयर करेंगे, लोड 00 सीएससी 00 हो जाए, हम देखेंगे इस चीज को। और अब इसके बाद हम मशीन को ऑन करेंगे। ये मशीन हमारी ऑन हो गई है। अभी इसका सीएसटी जो है, जो सीएसटी मतलब ये जो इसका सिलेंडर कितना ऊपर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड सीएसटी। अभी ये सीएसटी बहुत नीचे है, तो हम इसका लोड स्पीड थोड़ी तेज कर देंगे इसके हम। ये सैंपल फेल हो चुका है, इसको हम इसका फ्रैक्चर लेवल और इसके जो पेलेटी देख सकते हैं यहां पर। और फाइनल रीडिंग हम इसको यहां से स्टॉप करेंगे, अबाउट करेंगे, सॉरी।